दोस्तों आप देख रहे हैं हेल्थ जोन ट्रस्ट मी। तो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है मरीजुआना। भांग, गांजा, पॉट, ग्रास, ये सब एक ही हैं। तो ऐसा क्या हुआ 1985 में कि सारे भोले के भक्त नाराज़ हो गए? क्या हुआ? बैन हो गया मरीजुआना, पूरी तरह से बैन हो गया इंडिया में। ये क्यों हुआ? अमेरिकन कंट्री ने हमारी कंट्री पे प्रेशर डाला। उस टाइम पे माननीय राजीव गांधी जी थे, उन्होंने इंडिया में पूरी तरह से बैन कर दिया मरीजुआना को, यानी भांग को। पर उत्तराखंड में भोले के भक्त बहुत ज़्यादा थे, तो इसलिए उत्तराखंड में लीगल कर दिया गया कुछ टाइम बाद। एक उत्तराखंड ही ऐसा है जो भांग को कल्टीवेट कर सकता है। बेसिकली जो गांजा होता है वो हमें मिलता है कैनाबिस टाइवा है, उसके ड्राई फ्लावर से उससे हमें मरीजुआना यानी भांग गांजा मिलता है। पॉट, स्टास, आप कुछ भी कर सकते हैं। अमेरिका ने तो इंडिया में बैन कर दिया मरीजुआना को, पर अमेरिका इस पर बहुत सारा रिसर्च किया और अमेरिकन फार्मास्यूटिकल ने काफ़ी सारी दवाइयाँ बनाई और उन्हीं दवाइयों को इंडियन मार्केट में बेच डाला। अमेरिका ने अपने 7 स्टेट में गांजे को लीगल किया और WHO की रिपोर्ट के हिसाब से जिन स्टेट में गांजा लीगल हुआ उन स्टेट में डेथ रेट बहुत कम था और अल्कोहल कंजेशन भी बहुत कम था। और भांग को बैन करने में हमारे NGOs का भी बहुत बड़ा हाथ है। वो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी से बहुत सारा पैसा लेती है जिससे कि भांग लीगल ना हो जाए। मैं ये नहीं चाहता कि गांजा हर घर में हो या हर कोई कल्टीवेट करे, बस मैं ये चाहता था कि गांजा तब लीगल हो जाना चाहिए था तब जब हमारे देश एक लेवल पे था। क्या होता अगर गांजा बहुत पहले लीगल हो जाता? तो हमारा देश बहुत ज़्यादा डेवलप होता। तो फूड सप्लीमेंट्स, मेडिसिन्स, न्यूट्रिशन, ये चीज़ें काफ़ी सस्ती होती। आज गांजे से कैंसर की दवाइयाँ बनती है, एक टैबलेट 500 रुपये की, 400 रुपये की आती है। तो सोच सकते हैं अगर ये पहले लीगल हुआ होता और हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी इस पे काम करती तो आज बहुत कुछ होता, सस्ता भी होता। 2014-15 में WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट तैयार की, आप देख सकते हैं, जिसमें अल्कोहल और मरीजुआना को कंपेयर कर सकते हैं कितनी डेथ हुई, कितनी क्या हुई। और मरीजुआना तो आप शॉकिंग, मरीजुआना को तो मैं सोच भी नहीं सकता हूँ ये रिजल्ट। यानी मरीजुआना के एडवांटेज आपको पता ही है, कैंसर, डायबिटीज, सीजर्स, डायरिया, बहुत चीज़ों में यूज़ होता है इसका, स्पेशली कैंसर में। दोस्तों गांजे में जो कैनेबिनोइड्स केमिकल्स होता है वो कैंसर सेल्स को किल कर देता है, और सीजर्स, किसी भी टाइप का सीजर्स हो ये उसे आराम से ठीक कर सकता है। दोस्तों मरीजुआना के जितने फायदे हैं उतने भी नुकसान भी हैं, जैसे डिप्रेशन, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, एडिक्शंस, ये सारी प्रॉब्लम आपको आने लग जाती है। और आप हाई डोज लेंगे या आप किसी चीज़ से सिगरेट और अल्कोहल के साथ आप इसको ले सकते हैं, तब डेथ भी हो सकती है। तो मैं यही कहूँगा कि आप कम से कम या इसे अवॉइड ही करें। दोस्तों जो वीडियो आपको ज़रा कन्फ्यूजन लग रही होगी कि आप ये सोच रहे होंगे कि हमें गांजा लेना है ना लेना है, इस वीडियो में कुछ ऐसी इस टाइप का आपका लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों कुछ भी आप ले रहे हो, अगर कुछ ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हो, कुछ हाइब्रिड करके ले रहे हो, कुछ मिक्स करके ले रहे हो, वो आपकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। तो मैं यही कहूँगा, हेल्दी रहिए एंड ट्रस्ट मी के साथ जुड़े रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर। For me